के देश में जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, देश में कितने गधे घोड़े ऊंट बिल्ली है सब मालूम है, कितने झरने हैं, कितने पारा है, कितने दरख्त है, कितने पेड़ है सब मालूम है। लेकिन देश में आज सरकार को बताने को तैयार नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है। क्यों? अगर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से सोचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बार बार कहते थे इनकी जो महिला जो नेता थी कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया कांग्रेस ने, 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आज वही जो इनकी महिला नेता है पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। तो इसीलिए हमें इस भंगधारी सरकार को अपने वोट से हमें इन भंगधारी सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सरकार यहाँ पर काबिज रहेगी जब तक कोई बहुजन का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दोस्तों, जो पहला मुद्दा है ये सभी मुद्दों का बात है, जो जातिगत जनगणना है ये कितनी करारी बात है। अगर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से सोचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, जातिगत जनगणना बहुत बड़ा है बहुजन का, अब सारी पार्टियां इसके ऊपर विचार कर रही है। सभी का यह राय है कि देश में जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, देश में कितने गधे घोड़े ऊंट बिल्ली है सब मालूम है, कितने झरने हैं, कितने पारा है, कितने दरख्त है, कितने पेड़ है सब मालूम है। लेकिन देश में आज सरकार को बताने को तैयार नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है। क्यों? क्योंकि उनको उनके प्रतिशत के हिसाब से उनके अधिकार देने पड़ जाएंगे, इसलिए आपके और हमारे अधिकारों का यह हनन है। आप मेरे साथ बोलिए, आपके और हमारे अधिकारों का हनन है। इसके लिए आपने ये तो सोशल मीडिया है, इसको अपनाना है। सोशल मीडिया पे आप इसके बारे में लिख लो, मैं लगातार इसके बारे में लिखता रहता हूँ। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इसी सब्जेक्ट पे कार्यक्रम किया था कि जातिगत जनगणना देश में होनी बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मुद्दा है ईवीएम का, तो दोस्तों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी चुन के आई है आपको सभी को मालूम है, वहां के लोगों ने वोट तो कहीं डाला था और बड़े आश्चर्यचकित को बड़े हैरान रह गए कि हमने वोट तो कहीं डाला लेकिन व्यक्ति जीता तो और है। तो ईवीएम के लिए आप सभी सोशल मीडिया में लिखे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम को वोट नहीं डालेंगे। और जितने भी अलायंस के नेता है और जितने भी जागरूक लोग हैं देश के और जितने भी जो जमीन से जुड़े हुए हैं जो समाज सेवी, उन सभी में सभी से इस पल से मैं विनती करता हूं कि ईवीएम का बहिष्कार करना शुरू कीजिए। ये एक मोमेंट बनना चाहिए। दोस्तों अभी दो मुद्दों पर सरकार झुकी थी, आपको याद होगा, देखो ताजे है वो दो मुद्दे। एक तो 1 अप्रैल और 2018 को, उससे एक हफ्ते पहले देश के अखबारों में एक खबर छपी थी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को नलीफाई कर दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिया था। एक छोटा सा वो अधिकार था दबे कुचले लोगों के पास अपने आप को बचाने के लिए। इतने अत्याचार आप देश के अंदर हो रहे, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टेटस उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबिंग के मामले, सबसे ज्यादा दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार के मामले और रिकॉर्ड तोड़ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा आपने किसान आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन में किसानों ने एकजुट होकर के 14 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरा था। इन दोनों मुद्दों पर जो है सरकार घुटनों पर आ गई थी, तो इसलिए जो SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की बहाली हुई, वापस उसकी जो रोल बैक किया गवर्नमेंट ने और किसानों को उनका जो हक दिया, इसके लिए जो 2 अप्रैल जो भारत में हुआ था 2018 को और किसानों के लिए जोड़ना पानी बजा। दोस्तों, माफ करना आप सब लोग, मेरे निगाह में एहसान फरामोश लोग हैं। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दे दिया, आज हम इन मंचों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ के जो हमारे लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं और बहुत सारा जो प्रोविजन जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर रखा था राजनीति के अंदर प्रवेश का, उसके बाद अब 131 और 131 जो हमारे सांसद है
उन सभी घूमे बहरे सांसद हो, उन सबको मिलकर के देश के अंदर आवाज उठानी चाहिए। जातिगत जनगणना और ईवीएम को हटाना ये हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेवारी है, जो कि जीत करके जनता के प्रतिनिधि बनकर लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं। दोस्तों, इसके साथ एक मुद्दा और उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी जो रनिंग गवर्नमेंट है आजकल, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी बेरोजगारी तो नहीं बोलते, जबकि बेरोजगारी में वो मामला था जिसके ऊपर ये बताया गया था कि 2 करोड़ जो रोजगार हम भारत के नौजवानों को देंगे, और अब हो गया है उल्टा, 2 करोड़ लोगों को अब प्राइवेट सेक्टर से निकाला जा रहा है, तो 2 करोड़ तो नौकरी मिली नहीं और 2 करोड़ हाथ से छिन गई, तो 4 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जो है जाती जा रही है। आने वाले समय में जब आपके बच्चे स्नातक हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर सोचे तो ये बिल्कुल सही वक्त है। आपको सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए, चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जब तक देखिए मौसम भी बदलते हैं तो इंसान जिंदा रहता है, इसलिए आपको परिवर्तन की आवश्यकता है। और दूसरा मामला है महिलाई का, ये वही सरकार है जो बार बार कहते थे, इनकी जो महिला जो नेता थी कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया, कांग्रेस ने 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया, आज वही जो इनकी महिला नेता है पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है, देश में 1000 रुपए से ज्यादा सिलेंडर बिक रहा है। आज अगर आप किसी 10 गरीब आदमी को रोक ले, आज किसी स्नातक से पूछे भैया क्या तनख्वाह मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, 15000 रुपए की तनख्वाह उनको मिलती है, तो आप मेरे को बता दीजिए वो आपका बेटा 15000 रुपए पढ़ लिख करके कमाएगा तो क्या वो अपने परिवार को पालेगा, क्या कोई स्नातक 15000 में अपना परिवार पाल सकता है देश के अंदर, बताइए मेरे को हाथ उठा के, क्या कोई 15000 रुपए में अपना परिवार पाल सकता है क्या। देश में बेरोजगारी की वो मतलब इंतहा हो गई, तो इसीलिए हमें इस भंगी बहरी सरकार को हमें जो ब्रह्मास्त्र बाबा साहब ने दिया है अपने वोट से हमें इन भंगी बहरी सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सरकार यहाँ पर काबिज रहेगी, जब तक कोई भोजन का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमारी हालत में सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मिलजुल करके ऐसी आवाज उठानी चाहिए। और दूसरा, तो चारों लोकतंत्र के तो चारों पिलर्स है आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों पर आज एक ही पार्टी का कब्जा है। तो दोस्तों, एक तो सोशल मीडिया का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक यही आपके हाथ में प्रूफ का हिस्सा है, सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक जो है आप अपने अधिकारों पर नहीं लिखे, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जब तक आप और हम मिल करके इस उनकी पहली सरकार को हटाएंगे नहीं, हमारा उत्थान होने वाला नहीं है, आपका उत्थान होने वाला नहीं है। तो यही आपके पास 2024 में जनरल इलेक्शन है, आपको अपने बहुजन के नेताओं को वोट देकर के उनको सफल बनाना है, जिससे कि इस सरकार में हमें निजात मिल सके। इस भूमि भरी सरकार से जिसके आगे कुछ भी कहो तो मानते नहीं है, उन्हें एक बात उनमें बड़ी अच्छी है कि उनमें बड़ी एकता है। दोस्तों, हम 90% लोग और हमारे अंदर एकता का अभाव है, और वो 10% लोग उनके अंदर कितनी एकता है, देखो किसी भी मुद्दे के ऊपर वो लोग एक हो जाते हैं। अभी देश के अंदर जो 22 जनवरी हुआ, वो आप ईमानदारी से मानो पूरे भारत के अंदर लोग एक थे, उन्होंने अपना तंगा लगा दिया और हमारे 90% लोग दबे खुश हैं लोग हमारे, और उनके ऊपर अत्याचार भर रहे लेकिन उनका खून कभी फैलता नहीं है। तो दोस्तों, ये हमें जो ब्रह्मास्त्र जो बाबा साहब ने दिया है, इसका प्रयोग करके इस मूंगी पहली सरकार को हमें यहाँ से हटाना चाहिए, और हमारे भजन का ही जो है हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस मंच से मैं ऐसा वादा करके जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं 4 लाइनें बोलूंगा जो बड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने लिखी थी, कि जमीन जिंदा रखे, जमीन कहता है आपकी अंतरात्मा को, कि जमीन जिंदा रखे और कबीर जिंदा रखे, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रहे, और हौसले के तर्कश में तो उम्मीद का वो तीर भी जिंदा रहे, कि जिंदगी में सब कुछ हार गए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रहे, जीतने की उम्मीद जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।